बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जो आपको बताएं पेशावर में आईडी ब्लास्ट हो गया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है चार लोग घायल भी हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के पेशावर में आईडी ब्लास्ट हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसमें चार लोग घायल हुए हैं। पेशावर के वारसा रोड पर एक मोबाइल वैन के पास ये विस्फोटक उपकरण फटने से दो पुलिसकर्मियों सहित चार लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। दो पुलिसकर्मी और दो पैदल यात्री इस घटना में घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के पेशावर में यह आईडी ब्लास्ट हुआ है। धमाके में दो पुलिसकर्मी समेत दो जो यात्री थे वो घायल हुए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पेशावर में यह आईडी ब्लास्ट हुआ है। और नागपुर से खबर आपको बताते हैं, नागपुर में एक युवक को स्टंट करना महंगा पड़ गया। बारिश और ओवरफ्लो डैम पर पिकनिक मनाने गए एक युवक की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओवरफ्लो डैम की दीवार पर तीन युवक चढ़ने की कोशिश करते हैं। एक युवक दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, बाकी दो युवक चढ़ने की कोशिश करते हैं, इस दौरान पैर फिसलता है, दो युवक नीचे गिर जाते हैं जिसमें से एक युवक की मौत हो जाती है। और ये पूरी तस्वीर दरअसल इन लोगों ने क्योंकि स्टंट के लिहाज से ये पूरी हरकत की थी, इस वजह से मोबाइल में ये तस्वीरें कैद हुई। नीचे आप देखिए लोग इन लोगों को चेयर करते भी दिख रहे हैं, इनको रोकने के बजाय इनको चेयर करते दिख रहे हैं। दो लोग तो नीचे की तरफ आ जाते हैं आगे की तरफ, लेकिन तीसरा युवक जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है वो पीछे गिर जाता है और पीछे गिरने की वजह से इस युवक की मौत हो जाती है। तो तीन युवक जो स्टंट कर रहे थे उनमें से दो तो घायल हुए हैं लेकिन एक की मौत हो गई है। ये स्टंट करना भारी पड़ा है और मॉनसून के सीजन में लगातार स्टंट या फिर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, या तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है इस वजह से लोगों की जान जा रही है या फिर ऐसे स्टंटबाजी के चक्कर में लोगों की जान जा रही है। और अभी यह तस्वीर आपको नागपुर की दिखा रहे हैं जहां नीचे जो खड़े हुए लोग हैं वो भी इन युवकों को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि इनको चेयर कर रहे होते हैं ये सभी लोग, और ना ही वहां पर कोई सुरक्षा का इंतजाम होता है कि कोई भी कर्मचारी इनको जाकर रोके और यह हादसा होने से बच जाता है।